हे माय नेम ने मिसी योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ड्रीम्स और आज क्या धमाका होने वाला है आज हम लॉन्च कर रहे हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का लिटरेचर यस और हमारी फिफ्थ स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक का नाम क्या है हमारी बुक का नाम है मैरी गोल्ड और हम कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं हम हैं द मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ड्रीम्स पे तो so गाइज़ ये जो हमारी बुक है मैरी गोल्ड ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत कलरफुल बुक है इसको अगर आप चेक करोगे तो इसमें इतने सारे पिक्चर्स हैं वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सम वेरी फनी स्टोरीज एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू लव ऑल ऑफ देम और आप बच्चों को वैसे भी बहुत आप तो हो ही बड़े क्रिएटिव आप तो बहुत अमेजिंग हो तो आपको ये बुक बहुत अच्छी लगने वाली है तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं इस बुक में फटाफट देख लेते हैं सो ये है हमारी मैरी गोल्ड की बुक और हमारे पास इसमें जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट में हमारे पास है आइसक्रीम मैन ये नाम से ही कितना टेस्टी लग रहा है ना ये चैप्टर टेस्टी चैप्टर है इसको हम टेस्टी चैप्टर कहेंगे देन वंडरफुल वेस्ट ओके ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है क्योंकि वेस्ट वंडरफुल कैसे हो सकता है बट देर इज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस चैप्टर एज वेल देन वी हैव गॉट इन यूनिट टू टीम वर्क विच वी ऑल बिलीव इन

है हमारे पास मालू भालू एंड बीथो तो बेसिकली आधे तो नाम से समझ में आ रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है लेकिन मोस्टली समझ नहीं आ रहा है, तो है तो क्या हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें हमारे का नाम क्या है अच्छा हमारे का नाम जो भी था हमने उसको लिखा था टेस्टी चैप्टर तो हम अपना टेस्टी चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिकॉज द नेम ऑफ चैप्टर इज आइसम फील्ड तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी जो हमारी जो इसके बारे में इसने जो थोड़ा बहुत दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बाई द वे समर्स हैं ठीक है क्या चल रहा है अभी मार्च चल रहा है समर्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर क्रेविंग फॉर आइसक्रीम कितने लोगों को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है गर्मी में मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स और पॉपसिकल्स और वो फ्रिजी ड्रिंक्स ओके आई नॉट एल यू लेट मी टेल यू वट इज देयर टू रीड वॉट इज कोल्ड Sweet and creamy and wonderful to eat. What is it? It's an ice cream. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. तो कितने लोगों को वो वाली फीलिंग अच्छी लगती है जब आप घर में ऐसे बैठे रहते हो तभी जो है वो कुल्फी वाला आता है और उसकी जो घंटी बजती है या आइसक्रीम वाला आता है एंड वी गेट टू नो हम अपने मम्मा पापा को ऐसे देखते हैं कि यार प्लीज कैन वी हैव टेन रुपीज़ सो दैट वी कैन रश आउट एंड क्विकली बाई सम आइसक्रीम एंड स्पेशली कुल्फ़ी आई लव कुल्फ़ी ओके नेक्स्ट अब हम मैम रेचिल के बारे में पढ़ लेते हैं जिन्होंने ये इतनी इंटरेस्टिंग और टेस्टी पोम लिखी है सो लेट्स रीड समथिंग अबाउट रेचल फील्ड रोट अमेजिंग फिक्शन स्टोरीज रोटिंग पोएट एंड अ अलिस्ट सो पहले तो रेचल फील्ड जो है इन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी हैं ये एक नॉवलिस्ट भी हैं और इन्होंने बहुत सारी फिक्शन स्टोरीज लिखी हैं तो इनसे इनके लिखी गई हम एक पोम पढ़ने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द पोम इज द आइसक्रीम मैन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द थीम ये जो पोम लिखी गई है इसमें वो बताना क्या चाह रहे हैं सो थोड़ा थीम की तरफ ध्यान देते हैं लेकिन थीम होती क्या है थीम मतलब क्या सोच के वो पोम लिखी गई है ठीक है देखते हैं द पोम टॉक्स अबाउट हाउ एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स जॉय एंड रिलीफ ड्यूरिंग द स्कॉचिंग हीट ऑफ द समर डेज अब यहाँ पे आपकी पोम किस बारे में बात कर रही है कि कैसे जो है एक आइसक्रीम मैन आपके

और उसके अलावा वो कितनी सारी ड्रिंक्स लेके आता है टू क्वेंच द ऑफ चिल्ड्रन क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाने के लिए द आइसक्रीम मैन बिकम्स एवरी वन फेवरेट ड्यूरिंग दिस टाइम एंड स्पेशली समर्स में जो आइसक्रीम मैन आता है वो हम सबका एकदम फेवरेट हो जाता है अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पोम जिसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं सो प्लीज लेट्स बिगिन वेन समर्स इन दिटी And breaks a blaze of heat. The ice cream man with his little cart goes trundling down the street. ab yahan pe kya likha hai When summers in the city मतलब जब सिटी में समर्स एंटर करते हैं, इसका एक तरीके से ये मतलब है जब समर सीजन आ जाता है. And breaks a blaze of heat. और बहुत सारी अपने साथ क्या लेके आता है गर्मी लेके आता है बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हीट स्कॉचिंग का मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्म द आइसक्रीम मैन विद इज लिटिल कार्ट तब आइसक्रीम मैन अपने छोटे से कार्ट के साथ कार्ट क्या होता है वो जो उनके व्हील्स पे चलने वाली जो छोटी सी उनकी गाड़ी होती है उसको लेके आते हैं गोज ट्रेंडलिंग डाउन द दा स्ट्रीट और वो व्हील्स कैसे घूमते हैं तो उस तरीके से वो स्ट्रीट पे जाने जा जाती जाती है

तो वो जो साइट है वो जो नज़ारा है साइट का मतलब क्या होता है नज़ारा वो साइट कैसा है वो बहुत जॉयफुल है मतलब वो बहुत हैप्पी साइट है टू सी हिम फिल द cones और हम किस साइट के बारे में बात कर रहे हैं जब वो एक कोन लेते हैं और उसके बाद उसमें से निकालते हैं आइसक्रीम और उसको रखते हैं कोन पे वॉट अ ब्यूटिफुल एंड यमी साइट इट इज और क्या रखते हैं वो उसके ऊपर माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट मतलब बहुत सारे जो स्कूप्स निकाल के वो रखते हैं कूलिंग ब्राउन एंड वाइट अच्छा ब्राउन मतलब चॉकलेट वाइट मतलब वनीला वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिरी थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिल्स ग्रीन ऑरेंज और पिंक अब वो क्या निकालते हैं माउंट्स ऑफ ब्राउन एंड वाइट वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी इतने सारे फ्लेवर हैं उनके पास और चिली थिंग्स टू ड्रिंक या तो बहुत ही चिली चिली एकदम ठंडी ठंडी चीजें पीने के लिए जैसे कि फ्रॉस्टी ड्रिंक्स और ये जो फ्रॉस्टी फिज जो ड्रिंक्स होती हैं इनकी जो बॉटल्स होती है इसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं ग्रीन और पिंक हिस्काट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ़ रोजेस एंड स्वीट पीस अब वो क्या कर रहे हैं अब वो उस कार्ड को उस आइसक्रीम कार्ड को किससे कंपेयर कर रहे हैं एक फ्लावर बेड से कंपेयर कर रहे हैं फ्लावर बेड मतलब एकदम जो एक बेड है जिसमें खूब सारे फ्लावर्स हैं ऑफ़ रोजेस एंड स्वीट पीस और उसमें हर जगह रोज़ेस हैं एंड स्वीट पीज हैं द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर अराउंड एस थिंक एज हनी बीज और जैसे ही आइसक्रीम वाले अंकल आते हैं तो कैसे सारे बच्चे भाग के उनके पास एकदम एकदम बहुत सारा जो है ना एक क्राउड बना लेते हैं बहुत सारी भीड़ जमा कर लेते हैं वो कैसा लगता है जैसे कि फूलों के आसपास जो मधुमक्खी होती है हनी बीज होती है वो कैसे क्लस्टर कर लेती है वैसे ही जब आइसक्रीम वाला आता है तो सारे बच्चे उनके पास क्लस्टर कर लेते हैं तो ये क्या है ये एक कंपेरिज़न किया गया है अगेन इस कंपैरिजन को देखते हैं हिस्का्ट माइट बी अ फ्लावर बेड उनका जो कार्ट होता है आइसक्रीम की जो आइसक्रीम का जो ठेला होता है वो कैसा है वो एक फ्लावर बेड है रोजेस का एंड स्वीट पीस का द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड और जैसे क्लस्टर उन चिल्ड्रन आते हैं और पे भीड़ लगा लेते हैं वो कैसा लगता है जैसे कि कोई फ्लावर्स आते हैं तो मधुमक्खियाँ कैसे भीड़ लगा लेती हैं राइट right, क्योंकि उनको भी तो नेक्टर चाहिए होता है तो उसी तरीके से चिल्ड्रन आते हैं और उनके पास भीड़ लगा लेते हैं क्योंकि उन सबको टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम चाहिए होती है सो गाइस दैट वाज आर पोम ठीक है ये पोम में हमने क्या पढ़ा कि जब आइसक्रीम वाला आता है तो वो बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आता है और स्कॉचिंग हीट में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने से अमेजिंग कुछ नहीं होता कौन कौन से फ्लेवर्स पड़े थे हमने आइसक्रीम के वनीला स्ट्रॉबेरी चॉकलेट राइट right? और उसके पास आइसक्रीम के अलावा क्या होता है आइसक्रीम के अलावा होते हैं उनके पास बॉटल्स ऑफ फ्रॉस्टी फिज ड्रिंक्स और, और जिसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं ऑरेंज येलो एंड लेमन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम द आइसक्रीम मैन अब हम एक काम करते हैं अब हम एक बार इसकी समरी देखते हैं समरी से हमको एक बार वापस पूरी पोम के बारे में समझ में आ जाएगा और जो अभी हमने पूरा समझा है जो इधर उधर चल रहा है वो एकदम फटाक से अंदर जाएगा वहां पे स्टे करने लग जाएगा राइट वही तो हम चाहते हैं कि हमें समझ आ जाए और समझ में आने के बाद वो वहां रुक जाए ये नहीं कि यहाँ से और यहाँ से निकल गया ओके सो अब हम यहाँ पे फटक से देख लेते हैं इसकी समरी समरी द पोएट डिस्क्राइब्स अ हॉट समर डे सीन ऑफ द सिटी अब पोएट इस पोम में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक सिटी है जिसमें एकदम बहुत ही गर्मी का दिन है इन द समर डेज एवरीबडी गेट्स टायर्ड ऑफ द हीट और समर डेज में क्या होता है हर कोई गर्मी से परेशान हो जाता है एंड द सन ब्लेजेज एक्सट्रीमली और सन क्या है वो तो एकदम गंदे तरीके से चमक रहा है एकदम अपनी पूरी जो हीट है वो ऐसे एक जो है ना तीर की तरह नीचे फेंक रहा है सो so ब्लेजर्स का मतलब क्या होता है चमक रहा है मीन वाइल द आइसक्रीम मैन कम्स डाउन द स्ट्रीट्स विद कार्ड और ऐसे ही टाइम पे जो एक आइसक्रीम मैन है वो अपने आइसक्रीम के साथ अपनी आइसक्रीम के ठेले के साथ स्ट्रीट पे आता है द आइसक्रीम मैन बिकम्स अफ जॉइन हैप्पीनेस फॉर एवरी वन और जैसे ही सारे लोग आइसक्रीम मैन को देखते हैं तो सब के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है सब एकदम खुश हो जाते हैं ही हैज डिफरेंट of ऑफ आइसक्रीम इन his कार्ट और उनके पास कोई एक आइसक्रीम नहीं है बहुत सारे फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के ही हैज़ चिल्ड frosty फिज ड्रिंक्स टू ड्रिंक टू और उनके पास बहुत इंटरेस्टिंग ड्रिंक्स भी हैं flock फ्लॉक अराउंड द कार्ट एंड आस्क फॉर द of ऑफ आइसक्रीम और चिल्ड drink. और जैसे आइसक्रीम वाले अंकल आते हैं तो क्या होता है सारे बच्चे उनके पास दौड़ के जाते हैं और उनको जो फेवरेट फ्लेवर है उनका वो फेवरेट फ्लेवर ले, ले लेते हैं या उनके फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम लेते हैं या तो ड्रिंक ले लेते हैं द पोएट हैज कम्पेयर द आइसक्रीम कार्ट विद अ बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस अब पोएट ने ये जो इनका आइसक्रीम कार्ट है इसे किससे कंपेयर किया है फ्लावर्स टू गेट नेक्टर जहाँ पे बच्चे उसी तरीके से पूरा झुंड बना लेते हैं जिस तरीके से हनी बीज एक फ्लावर के अराउंड नेक्टर को ड्रिंक करने के लिए आ जाती है दिस इज हाउ द आइसक्रीम मैन स्प्रेड्स जॉय एंड हैप्पीनेस एवरी एवरी वेर इन समर्स और इसी तरीके से समर्स में जो हमारे आइसक्रीम वाले अंकल हैं वो खूब सारी हैप्पीनेस और खूब सारा जॉय स्प्रेड करते हैं सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट होता है तो हम और अच्छे से समझ लेंगे मुझे बता देना मैं और बार एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी अब हम एक बार देख लेते हैं सारे जो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पोम में पढ़े थे उनको हम एक बार और समझ लेते हैं ठीक है वैसे तो मैंने सबका मीनिंग बता दिया है लेकिन एक बार और समझ लेते हैं जैसे कि होता है ब्लेज ब्लेज मतलब क्या होता है एकदम ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर मतलब जो है जैसे हवा, की जो लपटे होती है ना एकदम चमक चमकती हुई उसे कहते हैं हम हाँ, ब्लेज फिर होता है ट्वेंडलिंग हमने पढ़ा था जो कार्ट है ट्रेंडल्स डाउन द दा स्ट्रीट इसका मतलब क्या होता है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स जो छोटे छोटे व्हील्स पे वो चलते हैं उसको बोलते हैं ट्वेंडलिंग डाउन द व्हील्स Mounds मतलब क्या होता क्या होता होता तो होता है है है. है, जो निकालते हैं हैं ना एकदम और उसको बोलते वो तो आप सबको पता जैसे कि या फिर कोका कोला पेप्सी ये सब क्या होते हैं फ्रॉस्टी फिजी ड्रिंक्स होते हैं देन क्लस्टर क्लस्टर ऑफ हनी बीस हमने पढ़ा था क्लस्टर मतलब झुंड गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स ओके समझ में तो आ गया होगा बहुत है ये तो सो so, हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने यहाँ पे पूरा रीड कर लिया है लेकिन अब आती है बारी ये जानने की कि हमें कितना समझ में आया है अगर हमने अच्छे से समझा है तो अब जो क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं वो हम चुटकियों में कर लेंगे सो so, क्या हम स्टार्ट स्टार्ट करें चलो लेट्स अब है पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी तरफ इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर बाप रे तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि आइसक्रीम कौन से सीजन में पॉपुलर होती है सोचना पड़ेगा वेल द आंसर इज वे सिंपल आइसक्रीम समर सीजन में पॉपुलर होती है आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना चलो हम एक और ऐसे मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हु फील्स जॉयफुल ऑन सींग आइसक्रीम मैन किसको बहुत मजा आता है आइसक्रीम मैन को देख के द स्पीकर फील्स जॉयफुल ऑन सींग आइसक्रीम मैन तो जो हमारी जो रेचल फील, जिसने ये पूरी पोम लिखी है वो बड़ा जॉयफुल फील करती हैं जैसे ही आइसक्रीम मैन आ जाता है वैसे ये सिर्फ चिल्ड्रन अच्छा फील नहीं करते हैं। बड़े लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग फील करते हैं उनको भी बड़ा मजा आता है आइसक्रीम खाने में नेम द थ्री डिफरेंट फ्लेवर्स नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम आइसक्रीम द आइसक्रीम कार्ट आइसक्रीम मैन हैड तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने तीन वर्ड्स मिस किए हैं नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैड सो ये मैं लिख देती हूं इंस्टेड ऑफ वरिंग आइसक्रीम मैन हैड ओके तो आइसक्रीम मैन के पास कौन कौन से थ्री फ्लेवर्स कौन कौन से फ्लेवर्स थे द आइसक्रीम मैन हैज वनीला चॉकलेट थे वनीला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी क्वेश्चन वो कौन सी दो चीजें जो आइसक्रीम मैन जो है सेल कर रहा है एक तो आइसक्रीम सेल कर रहा है और क्या सेल कर रहा है फिज ड्रिंक सेल कर रहा है द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड बोटल फुल ऑफ फ्लॉस्टिंग फिज द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम्स एंड बॉटल्स फुल ऑफ फ्लॉस्टी फिज अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज दइसक्रीम कार्ड कंपेयर टू इन दी पोम अब इस पोम में हमने आइसक्रीम कार्ड को किससे कंपेयर किया है एक फ्लावर बेड से कंपेयर किया है और वो फ्लावर बेड किस का है रोजेस एंड स्वीट पीस का है तो हम इस आंसर को कैसे लिखने वाले हैं द आइसक्रीम कार्ड इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस बहुत ही सिंपल है कि द आइसक्रीम कार्ट इज कम्पेयर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस वेरी सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब हम देखने वाले हैं हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर एक्साइटिंग एंड एंजॉय राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन अब मुझे ये बताओ ठीक तो है आइसक्रीम्स तो खा लिए हमने बहुत सारी आइसक्रीम्स खा ली अब विंटर सीजन में हम कौन कौन से इंटरेस्टिंग काम करते हैं सो विंटर सीजन में हम ये सारे इंटरेस्टिंग काम करते हैं सो व्हाट डू वी डू इन विंटर सीजन वी कैन डू अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक वी कैन ईट हॉट सैंडविचेस एंड सिप हॉट टी और कॉफी सो हम हॉट सैंडविचेस खा सकते हैं हम हॉट टी या कॉफ़ी सिप कर सकते हैं हॉट चॉकलेट मेल्टिंग चॉकलेट भी सिप कर सकते हैं हॉट गाजर का हलवा भी खा सकते हैं तो अभी आप लोग के जो मुंह में पानी आ रहा है उसको कंट्रोल करो और देखते हैं और क्या कर सकते हैं वी कैन ऑल्सो सेट अराउंड फायर एंड ईट पॉपकॉर्न रेवरीज इट्स नॉट रिवॉर्ड इट्स रेवरीज एंड पीनट्स और क्या कर सकते हैं हम वो जो अपन लोग अलाव जलाते हैं ना और बॉन फायर करते हैं तो उसके बीच में हम लोग मतलब वहाँ पे मस्त आजू बाजू में बैठ के हम रेवरीज खा सकते हैं हम लोग क्या खा सकते हैं पॉपकॉर्न खा सकते हैं और पीनट्स खा सकते हैं वी कैन गो फॉर पिकनिक विद फैमिली एंड फ्रेंड्स अब ठंड के मौसम में पिकनिक का तो मज़ा ही कुछ और होता है थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही होती है एंड वी कैन हैव अ लॉट ऑफ फन विद आर फैमिली एंड फ्रेंड्स दैन वी कैन एन्जॉय आइस स्कीटिंग एंड बिल्ड स्नोमैन तो अगर आप इस ऐसे किसी एरिया में हो जहाँ पर स्नो फॉल होता है या yeah, आप छुट्टियां मनाने के लिए ऐसी किसी जगह पे गए हो तो वहां जाके आप स्नोमैन बना सकते हो आप आइस स्केटिंग कर सकते हो ऑन योर स्नो बोर्ड एंड यू कैन हैव अ लॉट्स ऑफ फन सो दैट वो दैट वाज सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट यू कैन डू ड्यूरिंग विंटर सीजन अब विंटर सीजन में और क्या कर सकते हैं वो आपको मुझे बताना पड़ेगा तो कमेंट बॉक्स बॉक्स में लिख के बताना मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन अब समर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं समर्स में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं क्योंकि हमारी गर्मियों की छुट्टियां चलती हैं तो अब समर्स में हम क्या कर सकते हैं सम ऑफ दी समर एक्टिविटीज आर स्विमिंग ट्रैकिंग आप स्विम कर सकते हो आप ट्रैक पे जा सकते हो माउंटेन ट्रैकिंग कर सकते हो आप कहाँ कहाँ मतलब पहाड़ों में घूम सकते हो देन पिकनिक इन द इवनिंग हाँ दिन के टाइम पे तो नहीं जा सकते वरना आपका भजिया तल जाएगा लेकिन आप इवनिंग्स में अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जरूर जा सकते हो ड्राइंग, स्केच एंड पेंटिंग कितनी सारी चीजें होती हैं करने के लिए यू कैन प्ले विथ कलर्स। देन रीडिंग स्टोरी बुक्स यस, यू कैन रीड अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स गेम्स अब ये तो जरूरी है खूब सारी वीडियो गेम्स खेल सकते हैं हम क्रिकेट एंड अदर आउटडोर गेम्स जितना मन करे उतना अपन आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं लर्न फ्लेमलेस कुकिंग ओके जितने भी बच्चे कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं वो सैंडविचेस बनाना जो फ्लेमलेस कुकिंग होती है जिसमें गैस की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि अभी आप लोग थोड़े छोटे हो इसीलिए आप लोग फ्लेमलेस कुकिंग बनाना मतलब फ्लेमलेस कुकिंग के बहुत सारी रेसिपीज सीख सकते हो और बना के अपनी मम्मा को खिला भी सकते हो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज तो अब हमने जितनी भी एक्टिविटीज लिखी है इनको इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी में अपन को चेंज करना है तो हम मतलब सेग्रीगेट करना है तो इनडोर में ड्राइंग स्केच पेंटिंग ये एक इंडोर एक्टिविटी है स्टोरी बुक्स भी आप घर के अंदर पढ़ते हो प्लेइंग वीडियो गेम्स ये भी आप घर के अंदर करते हो एंड लर्न फ्लेमलेस कुकिंग ये भी एक इंडोर एक्टिविटी है आउटडोर एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाएगा स्विमिंग ट्रेकिंग पिकनिक इन क्रिकेट इन अदर आउटडोर अब हम देखते हैं हमारे पास next question है यू गेट साउंड एग्जाम्पल हनी बीज लास्ट में कौन सा साउंड आया z वाला तो अब हमको उन वर्ड्स को सर्कल करना है जिसमें हमको ये साउंड मिलता है सो लेट्स स्टार्ट सो प्राइज प्राइज आ रही है साउंड वाली ओके राइज ओके लेजी लेजी में नहीं आ रहा रेज ये रेज में आ रहा है चेज चेज में भी ये साउंड आ रहा है प्राइज प्राइज में भी आ रहा है हनी बीज प्राइज आ तो रहा है राइज राइज में भी आ रहा है लेसी नो रेज रेज में भी आ रहा है दिज This. This में भी आता है ना अब है मेज मेज में भी आता है ब्लेज में भी आता है बिजी नहीं आता, रहा रेस रेस में ज़ साउंड नहीं आता, रहा डीजीज में आता है फेस नहीं फिज यस रेसी नोप एस नोपी नोप सो अब हम इसमें अपने आंसर को देख लेते हैं तो हमारे ये हमारा आंसर हो गया मतलब ये तो हमने खुद ही कर लिया था अब हम क्या करने वाले हैं? वट आर समिफरेंट साउंड कम्स अब वो कौन कौन से होते हैं जो आपको सुनाई देते हैं जब आइसक्रीम वाले अंकल आते हैं आई हियर द साउंड ऑफ बेल सबसे पहले कैसे पता चलता है आइसक्रीम वाले अंकल आए हैं उनकी जो कार्ट होती है उसकी बेल से सो यू द साउंड ऑफ अ रिंगिंग बेल सेकेंड आई हियर आइसक्रीम मैन लाउडली वो क्या चिल्लाते हैं आइसक्रीम वाला So, उनकी आवाज़ आती है सो ही क्राइज लाउडली मतलब वो जोर से चिल्लाते हैं आई द जॉयफुल चिल्ड्रन और जब आइसक्रीम वाले की आवाज आती है तब बहुत सारे बच्चों की ऑटोमेटिकली आवाज आने लग जाती है सो दीज आर थ्री थिंग्स जो हमें सुनाई देती है जब आइसक्रीम वाले भैया आते हैं ओके okay? आगे देखते हैं फाइंड आउट एंड लोग हमें देख लेते हैं कि हमें किस चीज के बारे में रिपोर्ट लिखनी है अंकल लाल फार्म अब अंकल लाल का एक फार्म है बहुत बड़ा सा फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल डेयरी फार्म अब ये रिपोर्ट सुनो कि कोई हैं जिनके फादर उनको अंकल लाल के डेयरी फार्म में लेके गए आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउस अब उनके जो पूरा जो जब बहुत सारी काउस थी उनके फार्म में तो उसने सारी काउस को देखा ही हैज़ फिफ्टी काउस कितनी काउस है अंकल लाल के पास टोटल फिफ्टी काउज हैं दे ईट ग्रास इन द बेग ग्रीन फार्म और वो जो उनका बड़ा सा फार्म है उसमें वो बहुत सारी ग्रास जो है उसको च्यू करती हैं इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू द दान टू बी मिल्ड और इवनिंग में वो उनको बांध में लेके आते हैं बांध क्या होता है वो एरिया होते हैं जहाँ पे काउस को मिल्किंग करते हैं उनसे मतलब जो दूध होता है वो निकाला जाता है अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी और उसके बाद अंकल लाल क्या करते हैं वो इस दूध को सिटी में सेल कर देते हैं नाउ वेन राइटिंग अ रिपोर्ट अब हम जब भी रिपोर्ट भी लिखते हैं तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए अभी आपने देख लिया रिपोर्ट कैसे लिखना है अब हम देखते हैं किन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए पहली चीज थिंक ऑफ अ गुड टाइटल राइट इट करेक्टली एक तो टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए एक बात बताओ तुम एक रिपोर्ट लिख रहे होगा तुम्हारा टाइटल एकदम ही बोरिंग सा होगा तो मैं तुम्हारी तो रिपोर्ट क्यों पढ़ूंगी तो पहली चीज टाइटल बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए और करेक्टली लिखा होना चाहिए सेकंड क्या है कीप टू योर सब्जेक्ट अब हम बात 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 कर रहे हैं कि अंकल लाल्स के फार्म की बात करें। फार्म की में बात करते करते हमने काऊ की बात की फिर हमने बोला काऊ के इतने लेग्स होते हैं इतना होता है फिर काऊ से दूध देती है दूध से पनीर बनता है पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं शादियों में पनीर खाता हूँ मेरे अंकल की शादी हुई थी भाई कहाँ से चालू करा था और कहाँ पहुँच गए तो स्टिक टू द सब्जेक्ट जिस बारे में लिख रहे हो उसी बारे में लिखो ये नहीं कि पहुँचते 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 कहीं और ही पहुँच गए टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर अब हमें ये नहीं बताना है कि है ना हाँ अंकल अल का एक फॉर्म है वो दूध निकालते हैं उनके पास काउस है अरे बाबा एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए ना, तो एकदम ऑर्डर में सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है मेक योर पेपर लुक नीट अब कुछ बच्चे होते हैं जो पता है ऐसे लिखते हैं जैसे उसके बाद जो टीचर्स होता है ऐसा मन करता है उनकी भलयाँ ले लो क्योंकि समझ में तो कुछ आता नहीं है ये टीचर के लिए एक बहुत बड़ा आ, क्या बोलते हैं उसको एक उनके लिए एक एफर्ट्स लेने पड़ते हैं उनको उनके लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाता है कि इस हैंड राइटिंग को समझ के बताओ तो प्लीज जब रिपोर्ट राइट करते हैं तब हमको मानना चाहिए कि उसमें काटा पिटी नहीं है और वो बहुत ही नीट तरीके से लिखा गया हो अच्छा और क्या हमें देखना है इसमें इन ग्रुप्स ऑफ फोर राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया अब ये काम वैसे तो आपको करना है आपको फोर फोर लोगों का ग्रुप बनाना है और उसके बाद आपके आसपास कौन कौन से आइसक्रीम के ब्रांड्स अवेलेबल हैं जैसे क्या होते हैं अमूल की आइसक्रीम होती है क्वालिटी की आइसक्रीम होती है जिलाटो की आइसक्रीम होती है और किसकी आइसक्रीम होती है और टेंडर फे टेंडर कोकोनट कौन कौनसी की आइसक्रीम होती है नेचुरल्स की आइसक्रीम होती है तो आपके आसपास कौन कौन से आम, ब्रांड्स अवेलेबल हैं पहले तो आपको वो पता लगाना है स्टार्ट ठीक है मतलब उन सब के बारे में लिखना है सारी आइसक्रीम्स के बारे में लिखना है तो अब आपको यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं जो पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं पहला स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक तो पहला आपका टॉपिक क्या है आप लिख रहे हो आइसक्रीम्स के बारे में आपके आसपास जो भी आइसक्रीम्स अवेलेबल होती हैं तो पहला आप क्या करोगे कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे इंट्रोडक्शन देने के बाद लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया अब क्या है आप आइसक्रीम के ब्रांड्स के बारे में लिखोगे कि मेरे आस ये 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 ब्रांड्स अवेलेबल हैं देन नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स उसके बाद कि सारे जो ब्रांड्स हैं उसमें मोस्ट कॉमन फ्लेवर्स कौन कौन से हैं हम उन फ्लेवर्स की बात करेंगे ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद और क्या पॉइंट्स बोले हैं अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बींग सोल्ड द मोस्ट अब क्या देखना है कि हर ब्रांड में कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा बिकता है ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइस और इसके अलावा आपको उसकी प्राइस भी निकालनी है फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम उसके बाद आपको क्या लिखना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइसक्रीम कौन से ब्रांड की है सो so, ये सारे पॉइंट्स मिलके आपको मिला के आपको एक रिपोर्ट लिखनी है तो अब हम देखते हैं कि जब आप, आप रिपोर्ट लिखोगे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए आर ग्रोप विजिटेड थ्री आइसक्रीम पार्लर्स इन आर एरिया ठीक है तो अब आपने इंट्रोड्यूस किया है दैट आर ग्रोप विजिटेड थ्री आइसक्रीम पार्लर्स आपने कितने आइसक्रीम पार्लर्स देखे आपने थ्री आइसक्रीम पार्लर्स देखे हैं ठीक है अब मदर डेरी सेल्स अब पहली बात हम किसकी कर रहे हैं मदर डेरी मदर डेरी क्या है वो थ्री फ्लेवर्स जो है वो बेचती है एक है मैंगो डॉली एक है वनीला और एक है चोकोबार अब ये उनके मोस्ट कॉमन फ्लेवर्स हैं तो हमने पहले ब्रांड की बात की सेकंड ब्रांड है क्वालिटी वॉल्स क्वालिटी वॉल्स जो है वो कौन कौन से वो ऑरेंज बार ट्विस्टर और चोकोफिट तो ये जो है वो ये वाले ब्रांड्स उसके सबसे ज़्यादा कॉमन है फिर अमूल जो है उसकी रेसबेरी चोको बार एंड सरप्राइज बार उसकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चॉकलेट्स हैं प्राइजेस अब हमें बात करनी थी तो प्राइजेस रेंजेस फ्रॉम फिफ्टीन रुपीज टू ट्वेंटी फाइव रुपीज फिफ्टीन से ट्वेंटी तो फाइव के बीच में ये सारी चॉकलेट्स आइसक्रीम्स आती हैं वी टेस्टेड ऑल ऑफ देम अब आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो ना तो आपने क्या लिखा है कि हमने सब खाई

तो आपने अब ये पूरे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं और इस तरीके की एक रिपोर्ट लिखनी है लिसन ये एक एग्जाम्पल है तो आप खुद से जाके बहुत सारी आइसक्रीम्स टेस्ट करना देखना कौन कौन से फ्लेवर्स आते हैं थोड़ी बातचीत करना आइसक्रीम वाले अंकल से कि ये बताओ ये कितने की है और ये कितने की है और उसके बाद आप अपने हिसाब से एक रिपोर्ट लिख सकते हो ठीक है एंड डेट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स अब हमारे पास यहाँ पे कितने हैं ट्वेल्व बॉक्सेस हैं कौन से बॉक्सेस में राइमिंग वर्ड्स हैं अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं जिनका साउंड सेम होता है तो अब अपन देख लेते हैं मैं इसमें कैसे कलर करने वाली हूँ हम वो देखते हैं यार इससे क्या होता है ठीक है एनी सो यहाँ पर हम देख लेते हैं हम कौन कौन से कलर्स यूज करने वाले हैं सिटी कार्ट क्या इसका सेम साउंड है सिटी कार्ड इसका तो नहीं है हार्ड यार्ड यस इसका साउंड एकदम सेम है ओके सो हार्ड यार्ड का जो साउंड है वो एकदम सेम है उसके बाद है स्काई माई इसका भी साउंड एकदम सेम है स्काई माई का भी साउंड सेम है एकदम फिर है हीट स्ट्रीट ये भी डाइमिंग है सो हीट एंड स्ट्रीट भी डाइमिंग हो गए फिर है बोल और

अब देखो दोनों में ओ आ रहा है लेकिन डू ऊ का साउंड है गो ओ का साउंड है तो ये राइमिंग नहीं है लेबल और टेबल ये राइमिंग है राइट एंड नाइट ये भी राइमिंग है तो हमारे पास यहाँ पे ये सारे जो हैं ये हमारे राइमिंग हैं ठीक है थिके? तो इनको आप अपने फेवरेट कलर्स के साथ इनको कलर कर देना दैट्स इट तो यहाँ पे ये ऑलरेडी कलर्ड हैं ओके okay? Now let's go ahead. What do the following words describe in the poem? अब आपको यहाँ पे ये three words दिए हुए हैं तो joyful अगर poem को वापस पढ़ोगे तो joyful क्या था जब cream वाला आता है तो वो एक joyful sight होता है Little cart लेके आता है and round umbrella होता है तो जैसे ही अगर आप poem को वापस पढ़ोगे तो आपको ये तीनों words easily समझ में आ जाएंगे हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब है व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज इन द पोम फॉर द फॉलोइंग अब माउंस फ्लेवर एंड क्लस्टर इनके लिए इन तीन वर्ड्स के लिए कुछ वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं वो कौन कौन से हैं तो वो ये वर्ड्स हैं Cooling, brown and white mounds. कैसे हैं? क्या है आइसक्रीम के ठंडे ठंडे थंडेटी वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अब जब फ्लेवर की बात की थी तो कौन कौन से फ्लेवर्स की बात हुई थी वनीला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी और क्लस्टर मतलब जो ग्रुप है वो कैसा है वो बड़ा ही थिक है थिक मतलब बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं सो इट्स अ थिक क्लस्टर ऑफ हनी बीज राइट रिमेंबर कैसे कंपेयर किया था जितने भी बच्चे आ जाते हैं दिस सीम लाइक अ थिक क्लस्टर ऑफ हनी बीज अब हम आगे देख रहे हैं कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशनड इन ईच अब मेरे पास तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड कलर्स हैं नहीं बहुत सारे कलर्स हैं मेरे पास तो चॉकलेट चॉकलेट कौन सा कलर होता है चॉकलेट होता है ब्राउन कलर तो हम इसमें ब्राउन कलर करेंगे ब्राउन कलर ये ठीक है और मोटा वाला लेते हैं सो so, चॉकलेट में हमने किया ब्राउन कलर वेरी गुड अब आती है बात वनीला की तो वनीला को अपन वाइट ही रहने देते हैं क्योंकि वो वाइट ही कलर का होता है नेक्स्ट कम्स ऑरेंज ऑरेंज कलर देखना है अब हमको सो so, हम ऑरेंज को कर देते हैं पूरा ऑरेंज कलर अब है ब्लैक करंट ब्लैक करंट कौन से कलर का होता है इस कलर का होता है तो हम ब्लैक कलट को एकदम अमेजिंग सा कलर कर देते हैं वैलेट अब आती है स्ट्रॉबेरी ओ oh, यस yes, स्ट्रॉबेरीज होती हैं रेड कलर की सो so, हमने इसको कर दिया रेड कलर रेसबेरी कौन से कलर की होती है रेसबेरी होती है मेरा फेवरेट कलर विच इज पिंक ओके okay, सो so, हमने रेसबेरी को कर दिया पिंक कलर अब आता है बटर स्कॉच अब बटर स्कॉच तो येलो होता है तो हम बटर स्कॉच को येलो कलर कर देते हैं अब ये वाला येलो नहीं होता लेकिन येलो ही ये होता है अब है पिस्ता एंड पिस्ता हैज टू बी ग्रीन इन कलर सो so, ये सारे कलर्स आप अच्छे से मैंने तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से करते हैं और मुझे मिलता है एक स्टार अब कोई तो देगा नहीं मैंने खुद को दे दिया तो आप लोग बहुत अच्छे से इनको कलर कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ड्रॉ एंड कलर यूर ड्रीम आइसक्रीम ओके अब ये मेरी ड्रीम आइसक्रीम है ठीक है आपको अपनी ड्रीम आइसक्रीम बनानी है जिसके ऊपर आप बहुत सारे टॉपिंग्स डाल सकते हो आप चौको चिप्स डाल सकते हो आप फ्रेश फ्रूट्स डाल सकते हो आप विपड क्रीम डाल सकते हो खूब सारी चॉकलेट डाल सकते हो चॉकलेट सिरप डाल सकते हो और उसको बहुत टेस्टी बना सकते हो एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की the colors the flavors the size how it looks tastes feels etc and yum so is bare mein hame likhna hai so ab humne ek chhota sa example liya hai here is the ice cream of my dreams yeah this is the ice cream of my dreams it is a huge ball and looks like a rocket अब ये जो मेरी जो आइसक्रीम है वो कैसी दिख रही है एक rocket की तरह It has लेयर्स of कलर्स इसमें एक ही कलर नहीं है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आइसक्रीम है इसमें लेयर्स ऑफ कलर्स हैं वाइट एंड चॉकलेट इट इज क्रीमी स्प्रिंकलिंग ऑफ नट्स अच्छा अब इसमें हम एक चीज देखते हैं इट इज बार मतलब वो बार तो है आइसक्रीम का लेकिन कैसा है यूज बार है ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है एंड लुक्स लाइक अ रॉकेट इट हैज लेयर्स ऑफ कलर्स वाइट एंड चॉकलेट इट इज क्रीमी कैसा है ये क्रीमी है विथ जेनरस स्प्रिंकलिंग मतलब स्प्रिंकल तो किया है छिड़का तो है लेकिन जेनरस मतलब बहुत सारा ऑफ नट्स इट हैज एग्जॉटिक टेस्ट कैसा टेस्ट है इसका बहुत ही एग्जॉटिक टेस्ट है अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्लेवर्स इन वन और कितने फ्लेवर्स हैं इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं बहुत सारे फ्लेवर्स को मिक्स करके ये मेरी ड्रीम आइसक्रीम बनी है अब आपकी आइसक्रीम बिल्कुल अलग हो सकती है हो सकता है आपकी रेनबो आइसक्रीम हो और हो सकता है आपकी आइसक्रीम जो है वो आइसक्रीम कार्ड जैसी दिखती हो या फ्लावर जैसी दिखती हो अब आपका जैसा माने बी क्रिएटिव एंड राइट समथिंग इंटरेस्टिंग एंड आई विल वेट टू रीड वॉट यू हैव रिटन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा हैव यू एवर ईटन द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया द फॉलोइंग सर्व बट दे करेक्ट ऑर्डर राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस अब नॉर्थ इंडिया में आइसक्रीम कैसे सर्व होती है वो यहाँ पे बताया है लेकिन सही ऑर्डर में नहीं बताया है, थोड़ा जम्बल्ड वे में बताया है तो हमें उसको सही तरीके से प्लेस करना है क्या है ही स्कूब्स आउट आउट द आइसक्रीम ऑन अ प्लेट अरे ये कहाँ से आ गया सेकेंड क्या है देन ही पोज सम स्वीट सिरप ऑन इट एंड सर्व इट देन द कुल्फी वाला टेक्स द मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर एंड देन ही अरेंजेस सम अराउंड इट अब यहाँ पे देखो क्या बात करी उसने सबसे पहले ही स्कूप्स आउट द आइसक्रीम ऑन अ प्लेट सबसे पहले वो निकालता है और एक प्लेट पे रखता है देन ही पोज सम स्वीट सिरप ओवर तो भाई सबसे मतलब निकाला और सर्व कर देगा क्या मतलब ऑर्डर सही नहीं है द कुल्फी वाला टेक्स द मोल्ड आउट ऑन द पिक्चर तो अब उसने जो निकाला तो पहले वो पिक्चर मतलब प्लेट पर डालेगा एंड देन उसको ही सम अराउंड इट और उसके बाद कुछ फालूदा उसके ऊपर डालेगा तो अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं पहला क्या है द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर मतलब सबसे पहले वो क्या करेगा जो कुल्फी मोल्ड है उसको पिक्चर में से निकालेगा जो उनका बड़ा सा मटका होता है उसके अंदर से वो कुल्फी का मोल्ड निकालते हैं सांचा निकालते हैं फिर क्या करेगा वो

अभी सेकेंड चैप्टर की झलक तो दिख गई है लेकिन वो हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं वो हम करने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस सो हियर वी आर डन फर्स्ट एंड द टेस्टी चैप्टर एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस टेस्टी चैप्टर आइसक्रीम मैन सो इसमें हमने एक पोम पढ़ी थी चैप्टर नहीं पोम पढ़ी थी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग यामी टेस्टी डिलिशियस माउथ वाटरिंग क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये सब क्या यूज़ किए मैंने मैंने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं सो आई एम नाउ गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वंडरफुल वेस्ट सो तब तक के लिए यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ और मैं आप बच्चों से बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय बाय